तू ये बता, हमारे हिंदू संगठन की सभा की तैयारी कैसी चल रही है? भैया सब हो गया है, मैंने और विकास ने सारी तैयारी कर दी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा अच्छे से। पक्का ना? पक्का, मैं टेंशन ना लूँ। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है फिर। अरे भाभी चाय पिला दो, अब बनी के नहीं? हाँ भैया अभी लाई। देख कल बहुत मजा आ गया। हाँ वो सब मेरे भरोसे पर बैठे हैं और मैं तुम दोनों के भरोसे पे बैठा हूँ। सही है। राम। अरे चाचा कुछ नहीं होगा, ये खेलने का मैदान है बेटा। अरे चाचा खेलने दो ना। राम अभी अभी बुखार से खड़ा हुआ है तू। मैं कह रहा हूँ ना चाचा कुछ नहीं होगा। राम मतलब मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा दिला कर ही रहेगा ना। मैं अपने चाचा को नाराज होते हुए कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे बेस्ट ही चाचा हो। बहुत बढ़ गई दाढ़ी आपकी। हाँ तूने खींच खींच के बड़े कर दिए गाल मेरे। हाय विकास चाचू। हाय। बैठो बैठो विकास भैया। प्रेम भैया मैं निकलता हूँ, आप दोनों सब डिस्कस कर लीजिए शाम का, मैं शाम को मिलता हूँ आपको। चलिए ओके। और क्या हालचाल? बस एकदम बढ़िया। क्या बात है, चाचा भतीजा में बहुत प्यार चल रहा है आज। अरे क्या तू हर बार प्यार प्यार करता रहता है। भैया के जाने के बाद तो ये मेरा ही बेटा हो गया है ना। और तुझे तो पता है राम मेरे लिए क्या मायने रखता है। तुम एक मिसाल हो, तुम दोनों का प्यार देखकर लगता नहीं कि राम तुम्हारे खानदान की। जाना तू अंदर स्टफी के साथ खेलना। और सुन उससे पहले पूजा करना मत भूलना। खाली मुंडी मत हिलाना, करना जो बोल रहा हूँ वो। जा 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 रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। देख विकास, भैया ने राम को गोद लिया था वो बात मैं कब का भूल चुका हूं। तो आज के बाद तू भी कभी ये बात याद मत दिलाना यार। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है ना, खून से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। यार मेरी औलाद होती ना शायद, तो भी मैं राम के जितना उसे प्यार नहीं कर पाता। मैं समझ सकता हूँ प्रेम, शायद ये मेरी गलती थी और मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज मैं दोबारा ना बोलूं। चाचा चाचा दादाजी एक छोटे से बच्चे को लेके आए। बच्चा? हाँ। अरे ये किसका बच्चा है पिताजी? पता नहीं बेटा, मैं और गोविंद जी स्कूल के पास बातें कर रहे थे और बच्चे की रोने की आवाज आई, जाकर देखा तो ये बच्चा रो रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि ये अनाथ बच्चा है और उसके माँ बाप कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में चल बसे। फिर इस बच्चे को वहाँ पर कौन छोड़कर गया? शायद जो उसकी देखभाल कर रहा था वही उसे छोड़कर चला गया होगा। बेटा ये बच्चा रो रहा था लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ में लिया हंसने लगा, खेलने लगा। मेरा मन मना कर रहा था कि मैं उसे अनाथ आश्रम में भेज दूं और इसीलिए यहाँ ले आया। ठीक है पिताजी, फिर क्या सोचा है आपने? मैं तो चाहता हूँ कि इस बच्चे को हमारे साथ इस घर में रखे। आप लोगों का क्या कहना है? अब ये अनाथ बच्चा बेचारा चाहे तो कहाँ जाए, इसलिए मैंने ही कहा कि हम उसे अपने साथ घर ले चलते हैं। मैं तो कहती हूँ इसे हम यहीं रख लेते हैं हमारे साथ। हाँ मम्मी, बहुत प्यारा बच्चा है, इसे अनाथालय भेजने का मन भी नहीं करेगा। इस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजना उससे तो अच्छा है हमारे घर में बड़ा होगा ये। भाभी हमें भी तो दिखाओ। पिताजी हम इस बच्चे को इस घर में नहीं रख सकते। लेकिन बात क्या है बेटा? बात क्या है, आपने देखा नहीं उसके हाथ में क्या है? हाँ तावीज है, तावीज। हाँ तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दे सकता जो हिंदू नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू प्रेम, पागल हो गया है क्या? अरे अभी तो तू बच्चे को रखने के लिए बिल्कुल राजी हो गया था। हाँ तब मुझे पता नहीं था पिताजी कि वो हिंदू नहीं है। ये क्या, ये हिंदू नहीं है इसलिए अचानक से तुझे नफरत होने लगी इससे? तुम भी भूल गई माँ। हाँ
कैसे इन्हीं के लोगों ने भैया को दंगे में मार दिया था। ऐसे कौम के बच्चे को मैं मेरे घर में रखूंगा पिताजी, हरगिज नहीं। प्रेम, कैसी पागलपन जैसी बातें कर रहा है तू? मेरे संगठन वाले लोगों को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मुझे संगठन से बाहर कर देंगे पिताजी। अच्छा, अब पता चला कि तुम्हें तुम्हारे कोमवादी संगठन की ज्यादा पड़ी है। संगीता, मुझे आज तक जिस बात के लिए तू रोक रही थी, मजबूरन ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। नहीं, बतानी पड़ेगी संगीता। उसके दिलो दिमाग में जो नफरत के बीज है उसको उठाकर फेंकने के लिए मुझे बतानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं बताने दो ना उन्हें। क्या क्या बताओ के पिताजी आप मुझे बताइए। राम को तू कितना प्यार करता है वो आपको भी पता है, माँ को भी पता है, भाभी को भी पता है कि मैं राम से कितना प्यार करता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन राम का असली नाम रहीम है। रहीम, आप पगला गए पिताजी। मैं नहीं, तू पगला गए। तेरा पागलपन दूर करने के लिए मुझे बताना पड़ा कि राम पैदाइश हिंदू नहीं है, लेकिन ये बात इसीलिए छुपाई ताकि उसे तू गोद लेने से इनकार ना करे। ये हरगिज नहीं हो सकता। प्रेम, माँ, भाभी, ये पिताजी क्या बोल रहे हैं? वो सच कह रहे बेटा, ये सच है प्रेम भैया। प्रेम, तू तो जानता है कि राम हमें दंगों के वक्त मिला था। उसके माँ बाप मारे गए थे दंगे फसाद में। हमें पता था कि वो हिंदू का बच्चा नहीं है। ये ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बस। प्रेम, आज जब तुझे पता चला कि राम हिंदू नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? राम बदल जाएगा तेरे लिए, उसके प्रति तेरा प्यार कम हो जाएगा। क्या ये जानने के बाद तुम्हारे रिश्ते में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या तुम राम को प्यार नहीं करोगे? आज तक तुम्हें कोई फर्क लगा तुम्हें और राम में? फर्क तो पैदा किया ही नहीं है उस ऊपर वाले ने हम लोगों में। तुम ही बताओ, अगर ये सच नहीं है तो क्या तुम इतना प्यार कर पाते राम से? बेटा प्रेम, तू ही कहता था ना कि शास्त्र में लिखा है कि दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। कहता था ना, हमारी हड्डियां, हमारा खून तो एक जैसे ही है ना। आज एक छोटे से बच्चे ने मुझे ये बात समझा दी कि मानवीय भेदभाव अर्थहीन है, एकदम अर्थहीन। पिताजी, ये बच्चा इसी घर में रहेगा। भाभी,